हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालविया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक CSE VLE हैं और आप जो है अपने CSE सेंटर के माध्यम से जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं वो सभी करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी बैंक का BC लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है किस तरह से अप्लाई करना होगा, कौन कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस तरह से आप जो है बैंक मित्र के लिए अप्लाई करेंगे अपने CSE पोर्टल से। कम्प्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और हां, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ सर्विसेज में क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्विसेज में क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आ जाती है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है बैंक, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे बैंक सर्च कर लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक मित्र का। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बैंक मित्र पोर्टल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने जो है बैंक मित्र का इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड फॉर बैंकिंग सर्विसेज, तो आपको यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है कुछ ऑप्शंस नीचे की तरफ दिखाई देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो रजिस्टर्ड VLE रजिस्ट्रेशन, VLE इन्फॉर्मेशन अपडेट, VLE कमीशन, और यहाँ पर आप अभी जो एक्सिस बैंक और जो IDBI बैंक का BC मिल रहा है उसके लिए यहाँ पर स्पेशल इन्वाइट किया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है VLE BC में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो यहाँ VLE रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप VLE रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप, तो अगर अभी तक आपने जो है BC के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ न्यू यूजर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताया जाएगा कि बैंक BC के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो किस तरह का साइज होना चाहिए। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप जो है यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस कर देंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको आपका CSE ID दिखाई देगा, यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर अब आप जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो है आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर फिल करेंगे, मेल या फीमेल। यहाँ पर जो है आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप अपना अलग एक अदर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, यहाँ पर आप अपना डिजीमेल का दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी इंटर रहेगा जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है ना। यहाँ से जो है आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो है आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपना विलेज टाउन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर करना मैंडेटरी रखा गया है, मतलब पिन कोड आपको डालना ही पड़ेगा। जिस भी चीज पर स्टार लगा है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जॉब स्टेटस में आप क्या करते हैं, ओनली CSE है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या ओनली BC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम CSE के साथ में है तो यहाँ पर हम CSE BC अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करेंगे, आपका जो भी कैटेगरी है जनरल ST SC OBC वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन्स में आप जो है यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप है तो आप यहाँ पर उसका टाइप बताएंगे यस या नो, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या डालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आधार आइडेंटिटी कार्ड को इंटर करेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी क्या डालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप जो है पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आपके पास हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने लगाया है उसका यहाँ पर आपको नंबर लिखना रहेगा। यहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आप जो है अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर करेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपने जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है जैसे आधार कार्ड, तो आप यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। आपने जहां पर भी अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है उसको यहां से आप सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर साइज का बोला जाएगा, आप इसको ओके पे प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना।
एप्लीकेशन इमेज, आपको आपका जो फोटो है एप्लीकेंट का जो फोटो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेंट का फोटो चूज करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो भी यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीजें इस तरह से यहाँ पे आप इस तरह से अपलोड कर देंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बीसी सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आप मेरा फोटो देख रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पर अपना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, आपका रूरल है या अर्बन है, तो हमारा रूरल एरिया है तो हम यहाँ पर रूरल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे एमपी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप अपना विलेज टाउन सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका विलेज टाउन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने सेंटर का एड्रेस डालेंगे, लाइन वन में जो कंप्लीट एड्रेस आपके आधार कार्ड पे डाला है वो डाल दीजिए। उसके बाद लैंडमार्क यहाँ पर आप इंटर करेंगे, यहाँ पर जो है आप अपना एरिया पिन कोड डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लेटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड डालेंगे। अब लेटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड आपको किस तरह से निकालना है, यहाँ पर आपको जो है गेट लेटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इस वाले बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना जिला जो भी है उसको फाइंड कर लेंगे, यहाँ आपका जिले का नाम लिखेंगे, यहाँ पर फाइंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फाइंड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने खंडवा लिख के सर्च किया था तो यहाँ पे खंडवा आ चुका है हमारा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जहाँ भी गाँव हो, ठीक है ना, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो अभी हम यहाँ पर अपना गाँव सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा स्टूडियो आ चुका है, मां नर्मदा स्टेशनरी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी आपको जो है लैटिट्यूड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लैटिट्यूड को कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। उसके बाद इसी तरह से आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूड को भी कॉपी कर लेना है, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी वाले बटन पर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड को पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है बीसी सेंटर का इमेज डालना रहेगा, तो आपको इनसाइड का इमेज डालना है, तो इनसाइड में आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका इनसाइड वाला इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इमेज का साइज हमारा ज्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मतलब अंदर के साइड का फोटो इंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपलोड बीसी सेंटर इनसाइड पे क्लिक करेंगे, आपका जो इनसाइड का फोटो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा इनसाइड का फोटो आ चुका है। उसी तरह से आपको यहाँ पे आउटसाइड का फोटो लेना है, आउटसाइड में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आउटसाइड का इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका आउटसाइड का फोटो भी यहाँ पे इजिली आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम जो है इसको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो अब जो है आपके सामने यहाँ पर बैंकिंग डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्टेड ऑफ द बैंक, मतलब जो आपका पास का बैंक है जिसमें आपके इंटरेस्टेड हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमारा बैंक ऑफ इंडिया है तो हम यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप ब्रांच सिलेक्ट करेंगे उसका IFSC कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ब्रांच लिंक, तो यहाँ पर आपका जो ब्रांच है कितने किलोमीटर दूर है आपके सेंटर से, तो 5 से 10 किलोमीटर है तो हम यहाँ पे 5 से 10 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके सेविंग अकाउंट्स की डिटेल डाल देनी है, जैसे सेविंग अकाउंट्स का नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पर जो है आपको आपके सेविंग अकाउंट का IFSC कोड डाल देना है, यहाँ पर आपको जो है बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जो है एक चेक अपलोड कर देना है, मतलब कैंसिल चेक अपलोड कर देना है। अब अगर आपको कैंसिल चेक नहीं आता है करते तो उसका आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, तो उसके बारे में मैं आपको लोगों को एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंट्री के लिए कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आपने 10वीं 12वीं पास जो भी किया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे, तो आपने जिस किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है तो यहाँ पर हम DAVV इंदौर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पासिंग ईयर इंटर कर देंगे, आपने किस साल में पास किया था, किस सब्जेक्ट में आपने जो है क्वालिफिकेशन किया था, किस सब्जेक्ट में आपने जो है ग्रेजुएशन किया था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आर्ट्स में किया था, साइंस में किया था, तो हमने आर्ट्स से किया था तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास IIBF सर्टिफिकेट है या नहीं, तो आपके पास नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिए, है तो आप जो है यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर इंटर करना रहेगा और यहाँ पर आपको जो है आपका पैन कार्ड अपलोड करना रहेगा करेंगे और यहाँ पर आपका हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे भरी है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसका भी जो साइज है मैक्सिमम 100KB होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है
तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आपको जो है 6 महीने के अंदर अंदर इसको अपलोड करना रहेगा। अब दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड होने पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप उस वीडियो के माध्यम से इजीली बना सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। अब दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपसे अब हार्डवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर के बारे में आप यहाँ पे कंप्यूटर, अगर आपके पास है कंप्यूटर लैपटॉप तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लैपटॉप तो लैपटॉप, कंप्यूटर तो कंप्यूटर। नेटवर्क के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं आपके यहाँ कैसा नेटवर्क मिलता है, किस तरह का नेटवर्क मिलता है। तो हमारे पास जियो का नेटवर्क है तो हम यहाँ पे वेरी गुड सेलेक्ट कर लेंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी टाइप में आप जो है लैंडलाइन से चलाते हैं, मोबाइल से चलाते हैं, मॉडम से चलाते हैं या डाटा कार्ड से चलाते हैं, तो हम जो है जियो का मॉडम यूज करते हैं तो हम यहाँ मॉडम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप नेटवर्क प्रोवाइडर का जो भी नाम है वो सेलेक्ट कर लेंगे, GSNL है, Airtel है, Vodafone, Idea, Reliance, तो Reliance सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आप जो है फोन नंबर, आपके पास IPS का फोन नंबर है तो यहां पर आप इंटर कर देंगे, जिस फोन नंबर से आप जो है नेट चलाते हैं वो आप यहां पर इंटर कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास अवेलेबल है या नहीं वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास है मार्फो का डिवाइस तो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस का आपको मॉडल नंबर यहां पर इंटर कर देना है, फिंगरप्रिंट डिवाइस का सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास में हैंडलेग डिवाइस, जैसे कि आपका माइक्रो एटीएम या पिन पैड या पीओ मशीन जो है पॉस मशीन होता है, ये आपके पास है या नहीं आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उसका नंबर डालना पड़ेगा, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, रिसीव डेट भी डालनी पड़ेगी, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये चीजें कोई भी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बैंक नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप जो है HDFC, ICICI, एक्सिस, यहाँ पर जो है इन्हीं बैंकों का BC अवेलेबल है, ठीक है ना। तो HDFC बैंक हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड ब्रांच तो हमने यहाँ पे जो है खंडवा का ब्रांच सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। HDFC का जो ब्रांच है आपके ग्राम से कितना दूर है, तो यहाँ पर अबाउ 25 किलोमीटर आप टाइप करेंगे, जो भी आपका डिस्टेंस हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। आपका जो लोकेशन है वहाँ पर BC की जरूरत है या पहले से कोई BC है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यस या नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। नो ऑफ द BC स्टेट ऑफ द BC लोकेशन, हमारे लोकेशन पे कोई BC नहीं है, है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको रहने देंगे, ठीक है ना। परमिशन टाइप में आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आप खुद ही ओनर हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आर यू एम्प्लॉयड तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए, अगर आप एम्प्लॉयड है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस में आप नाम लिखेंगे किसी भी एक व्यक्ति का जो भी आपके जान पहचान का हो, आपका दोस्त हो, ठीक है ना, जो भी आपके गांव का हो उसका आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे। यहां पर आप रिलेशनशिप बताएंगे, वो आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है या फ्रेंड्स है, ठीक है ना। यहाँ पर आप रेफरेंस नंबर सेकंड डालेंगे, उसका आप मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर जो है आप उनको अपनी डिटेल बताएंगे, ठीक है ना, जैसे कि वो माता है पिता है उनका रिलेशन आप यहाँ पर बताएंगे। रेफरेंस इसलिए दोस्तों ताकि जो बैंक रेफरेंस है इन लोगों से फ़ोन लगाकर पूछ सके कि आपने जो आपका जो एंट्री किया है यहाँ पर वो सही है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके गांव में जान पहचान या आपकी पोजीशन कैसी है, गुड बैड, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप जो है आपको अगर किसी भी बैंक में काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यस तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है ना। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही इसको सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका रिव्यू आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट फॉर्म का रिव्यू दिखाया जाएगा, आप देख सकते हैं आपकी डिटेल, पर्सनल डिटेल, BC सेंटर, बैंकिंग डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, अदर, यहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क करना है एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक रेफरेंस आईडी मिल जाता है, उस रेफरेंस आईडी के माध्यम से आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं और जो भी उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वह उनको फिजिकली आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है बैंक मित्र यहाँ से एक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कोई भी एक बैंक को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि ICICI बैंक, IDBI बैंक या तो आपको HDFC बैंक को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इन बैंक में से आप किसी एक बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस बैंक की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें कि आप सारे काम कर पाएंगे उस बैंक से रिलेटेड, जिसमें कि कस्टमर का अकाउंट ओपन करना, जिसमें कि कस्टमर का लोन के लिए अप्लाई करना, सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये था कंप्लीटली कि किस तरह से आप बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।